हेलो आद्या मम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मुरमुरे की रेसिपी बताऊंगी। मुरमुरे यानी लाई भी इसको बोलते हैं। देखिए, मैंने एक बड़े बर्तन में लाई को ले लिया है और अब इसमें पानी डालेंगे ताकि जितनी लाई ये पूरी भीग जाए। उसके भीगने तक इसमें उतना पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको हाथ से हिलाते हुए अच्छे से भिगो लेंगे ताकि पूरी लाई अच्छे से भीग जाए और सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा देर तक उसमें छोड़ना नहीं है, बस सॉफ्ट होने तक, मतलब हल्का सा। पूरी लाई जब भीग जाएगी उसके बाद से इसको निचोड़ करके निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे फिर पूरी उसमें गल जाती है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और देखिए, ऐसे पूरे हाथ से हिलाते हुए इसको भिगो लेंगे। देखिए, मेरी सारी मुरमुरे जो हैं वो भीग के रेडी हो गए हैं। अब इनको हाथ में ऐसे ले करके अच्छे से भिगा करके पूरा, और इनको निचोड़ेंगे। इनका जो पानी है ना, उनको उसको ऐसे दबाते हुए निचोड़ देंगे ताकि जो पानी है वो सारा निकल जाए। और इसको निचोड़ते हुए दूसरे बर्तन में रख लेंगे। देखिए, मैं जितनी भी लाई है सबको निचोड़ कर रख लेते हैं। जब हम इसको डालते हैं ना पानी में, तो ज़्यादा सी लाई लगती है कि ज़्यादा ज़्यादा है, और जब पानी डालने के बाद एकदम कम हो जाती है। देखिए, मैंने सबको निचोड़ के अच्छे से रख लिया दूसरे बर्तन में। इस बात का ध्यान रखें कि देर तक नहीं छोड़ना है बस, नहीं तो गल जाएगी फिर लाई। और देखिए, मैंने सब लाई को निचोड़ करके ले लिया है दूसरे बर्तन में। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको रख देंगे चाहे जितने देर तक रख देंगे ऐसे ही पड़ी रहेगी, ना गलेगी ना सूखेगी, कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए उसको मैंने ले लिया है। ये जो मेरी लाई पहले से भिगो के रखी है उसको मैंने ले लिया है, और मूंगफली ले लिया है, राई है, ये लहसुन और हरी मिर्च की चटनी है, कड़ी पत्ता है, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो प्याज ले लेंगे, 3 ले लेंगे अपने आवश्यकता के अनुसार। और कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर, और इसमें सरसों का तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसमें राई को चटकने तक डाला है। उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता डाला, मूंगफली डाला। सबको भूनने के बाद इसमें प्याज को ऐड कर दिया है। इन सबको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे, और बाद में थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर देंगे। इसको चलाते हुए सॉफ्ट होने तक चलाएंगे। वो देखिए कैसे पक रहा है मेरा धीरे धीरे। इसको तेज आंच पर जलाना नहीं है, आंच को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। जब ये सब भुन जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे आवश्यकता के अनुसार, और आधा चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। बाकी कोई चीज़ नहीं डालनी। इतने में इतना टेस्टी बनता है ये। अब इसको भी अच्छे से चला के हल्दी को भी भून लेंगे। अब देखिए, प्याज अपना कलर छोड़ दिए। अब इसमें जो मैंने चटनी बनाई है, नमक को तो मैंने अब ऐड कर दिया है। अब इसमें चटनी को भी ऐड करेंगे थोड़ी देर में। चटनी आप धनिया, तो देखिए मेरे सब भून के तैयार हो गए हैं प्याज सब, और इसमें अब चटनी को डाल देंगे। आप जितना तीखा करना चाहेंगे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 मिर्च लिया था इसमें डालने के लिए, और अच्छे से इसको चला लेंगे। इसको चलाने के बाद फिर मुरमुरे का जो भिगो के मैंने बनाया था ना लाई को, उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम आसान तरीके से, कम सामान में, कुछ ज़्यादा नहीं इसमें लगता है। नाश्ते के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। इसको अच्छे से चला लेंगे घुमाते हुए पूरा। देखिए, इसको हमने चलाते हुए पका लिया, और ऊपर तक देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, एकदम टेस्टी बनता है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव शेयर करिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम हल्का नाश्ता, कम समय में, कम सामग्री में।
बन के एकदम तैयार हो जाता है। और देखिए हमारा एकदम हो गया तैयार। अब चलिए हम सर्व करते हैं इसको। देखिए एकदम गर्मा गर्म मुरमुरे का नाश्ता बन के तैयार हो गया है। लॉकडाउन हो और चीज नहीं हो घर में, कम चीज हो, तो आप लोग इसी का नाश्ता बनाइए और खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।